नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज वन द टेम्परेचर ऑफ़ अ मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम जीरो डिग्री टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट द परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी क्लोजेस्ट टू और चार ऑप्शन दे रखे हैं आसान सवाल है अपने को यह दिया है कि जब अपना डेल्टा टी जो है टेम्परेचर वो अपना जीरो से टेन डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ है डेल्टा एल में जो चेंज आया दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट इतना आपका वहाँ पे डेल्टा एल में चेंज आया है नाओ हमें एक्सपेंशन की कहानी पता है कि एल इजल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी हम लिखते हैं सो एल्फा डेल्टा टी जो है अपना एल्फा डेल्टा टी वो आ गया जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट नाओ इसी को अगर हम यहाँ पे एल्फा डेल्टा टी ये जो है ये तो लेंथ में चेंज आया है इसी को अगर हम बीटा डेल्टा टी करेंगे बीटा डेल्टा टी वो इसका एक्चुअली ट्वस uh, इसका वैल्यू uh, हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय दिस और अगर हम गामा डेल्टा टी करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट सो विच विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट तो ये आपका गामा डेल्टा टी आएगा यहाँ हमें पूछा है तो ये वॉल्यूम में चेंज आएगा आपका यहाँ पर हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी सो अपनी डेंसिटी डिवाइडेड डेल्टा डेंसिटी डिवाइड अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं सो so, जो अपनी डेंसिटी होएगी उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑल एम बाय वी ना इसमें अगर हम चेंज देखेंगे तो डेल्टा रो बाय रो जब हम करेंगे सो आएगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी तो ये वाली चीज़ अपनी टर्म ज़ीरो है मास में जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ उसमें मास में कोई चेंज नहीं आएगा विच एम्प्लाइज डेल्टा रो बाय रो विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी और डेल्टा वी बाय वी आपकी ये वाली टर्म आएगी सो दिस विल बी इक्वल टू गामा डेल्टा टी और दिस विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट वुड बी द राइट आंसर